व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज इन योर लाइफ। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब हम ये जो बेसिक चीज़ है वो हम भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कि हमें बस पॉजिटिव सोचना है, ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव थॉट्स ही सोचें और बस चीज़ों को करें, एक्चुअल में एक्शन लें। बट ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज इन योर लाइफ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें अचीव करने के पीछे भागते हैं, बट हमारा जो फोकस है वो नेगेटिविटी पे होता है कि ये चीज़ मेरे लाइफ से चली जाए, या जो सब फॉर एग्जांपल पैसा अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो अगर आप सोचते हो कि पैसे की कमी दूर हो जाए, बट आपका फोकस पैसे की कमी के ऊपर है, राइट? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को बढ़ाएगा क्योंकि आपका फोकस पैसे की कमी पे है। किस तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हो या आपके पास अभी कितना पैसा है, उस पर फोकस आप नहीं करके आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस करते हो और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिवली काम करता है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर की तरह होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो खुश होना चाहते हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है उनकी लाइफ में और उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, राइट? ये तो कुछ और ही चीज़ है, ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है मेरी लाइफ में, राइट? बट वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज इन योर लाइफ, राइट? तो आप जब भी कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, भले वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आप जस्ट आप अपने आप को बताना चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है, तो आप कोई भी बेसिक सी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इमेजिनेशन कर रहे हो, आप राइटिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, बट आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो, राइट? जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, तो आपका फोकस कहाँ पे है, आपको कैसा फील हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो या आप उसका लैक फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग द लैक ऑफ दैट थिंग और द एब्सेंस ऑफ दैट थिंग, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से काम करता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव और ट्राइंग डिफरेंट टेक्निक्स, बट इट मैटर्स कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है, राइट? और ये है सिंपल चीज़, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है और इसीलिए हम उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज़ हो वो, राइट? तो हमारे पास जब वो नहीं है तभी तो हम उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जब हमारे पास वो नहीं है, ये रियलिटी हमें पता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उसकी एब्सेंस पे ही फोकस करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये मिल जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा मिल जाए, मेरे पास ये रिलेशनशिप नहीं है, मेरी लाइफ में कोई अच्छा सा बंदा या बंदी आ जाए, तो हमारा जो फोकस है वो नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ जाता है, उसकी एब्सेंस की तरफ जाता है कि हाँ ये मेरे पास नहीं है, राइट? और इसीलिए बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, उन्होंने चीज़ें ट्राई करी बट कुछ नहीं हो रहा है, या उल्टा चीज़ें उल्टी हो रही है, जो होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है और ऊपर से चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। तो ये बस एक एनर्जी, आपको समझना है कि ये बस एक एनर्जी है और आपका जो फोकस है वो उसको बढ़ाता है, भले वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, वो भले प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, आप जहाँ पे भी फोकस करोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो होगी। सो क्या लगता है आपको जो मैंने आपको आज बताया इस वीडियो में, आपके थॉट्स क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, मुझे बताइए कॉमेंट्स में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।